धर्मशाला में उच्च शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में विभाग के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगुवाई में मेधावी छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। योजना के तहत लैपटॉप देने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से मेधावी छात्र सुबह से ही लैपटॉप लेने के लिए उच्च शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पहुंचने पर उन्हें लैपटॉप विभाग के कार्यालय में न देने की बात कह दी। धर्मशाला में उच्च शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में विभाग के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगुवाई में मेधावी छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। योजना के तहत लैपटॉप लेने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से मेधावी छात्र सुबह ही लैपटॉप लेने के लिए उच्च शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में पहुंचे थे, लेकिन यहां पहुंचने पर उन्हें लैपटॉप विभाग के कार्यालय में न देने की बात कह दी। इससे दूर दूर से धर्मशाला पहुंचे ये छात्र भी विभाग की इस कार्य प्रणाली पर उखड़ गए और वहां पर लैपटॉप दिए जाने की मांग करने लगे। इसी दौरान धर्मशाला की एबीवीपी के सदस्य भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। पहले तो विभाग के अधिकारी विद्यार्थियों को टालते रहे, लेकिन हंगामा ज्यादा होते देख बाद में उन्होंने कार्यालय पहुंचे विद्यार्थियों को लैपटॉप बांट दिए। अभिभावक विजय ने कहा कि मेरे बच्चे ने वर्ष 2017-18 में 10वीं पास की थी, उसे लैपटॉप मिलना था। एक सप्ताह पहले विभाग ने इसके बारे में सार्वजनिक सूचना मीडिया के माध्यम से दी थी। आज लैपटॉप लेने आए तो इनकार कर दिया। अब कह रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्रों में मंत्री विधायक देंगे। मैं यहाँ पे आया हूँ कि मेरे बच्चे ने मतलब 2017-18 के सेशन में मैट्रिक क्लियर की हुई है और बच्चे ने स्कॉलरशिप में क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए बच्चे को स्कॉलरशिप भी मिलनी थी, पैसा भी मिलना भीमराव अम्बेडकर स्कीम के तहत, वो भी आज दिन तक नहीं मिला हुआ है और 2 साल हो गए हैं। और जो लैपटॉप के बारे में वो भी मिलना था, वो भी नहीं मिला आज दिन तक। तो आज मतलब कि इन्होंने हफ्ता पहले पेपर में निकाला था कि मतलब 18, 19, 20 तीन दिन जो है मतलब कि धर्मशाला एजुकेशन डायरेक्टर ऑफिस में लैपटॉप बांटे जाएंगे। जो जो बच्चे इस मतलब पात्र हैं वो आके वहाँ के अपने लैपटॉप ले सकते हैं आके। और उन्होंने ये मतलब फार्म भी निकाला था कि अपने स्कूल से जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो आप लेके आएँ और उनको लैपटॉप दे दिए जाएंगे। पर जब हम आज यहाँ पे आए हैं, मतलब बच्चों के पेपर भी चले हुए हैं, प्रैक्टिकल चले हैं बच्चों के। अब मेरा बच्चा प्लस टू में है, उसका प्रैक्टिकल चला हुआ है। आज बच्चे को छुट्टी करा के मतलब यहाँ लेके आए हुए हैं। अब कल बच्चे का, परसों बच्चे का फिर प्रैक्टिकल है, तो लेके आए हुए हैं। अब ये यहाँ बोल रहे हैं कि ये यहाँ नहीं मिलेंगे। मतलब अब मतलब कि विधायकों ने मतलब उन्होंने की हुई मीटिंग बनी सीएम से की या किसी की, उन्होंने बोला होगा मतलब विपिन महाराज की मतलब कि जो भी लैपटॉप हैं वो एरिया वाइज बांटे जाएंगे, विधायक अपने अपने एरिया में देंगे। तो अगर ये बात है तो जी इस नोटिफिकेशन को ये एक हफ्ता पहले ही निकालते, जो लोग आज यहाँ परेशान हो रहे हैं आके वो परेशान नहीं होते। अभिभावक नरेश सिंह ने बताया कि वह नालागढ़ से आए हैं। पिछले कल फोन करके विभाग के कार्यालय से कहा गया था कि लैपटॉप सिर्फ आज ही मिलेंगे। यहां पहुंचे तो कहा कि अब मंत्री देंगे लैपटॉप, पहले ही 2 साल बाद लैपटॉप दे रहे हैं। ऐसे में इस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है, बस परेशानी ही बढ़ा रही है। हमने कल फोन किया था इनको, एक बोलते 20 लास्ट डेट है, आपको कल आना ही पड़ेगा। मैं नालागढ़ से आया हूँ, सुबह 2:30 बजे चले हैं, गाड़ी स्पेशल करके 6-7 हज़ार रुपया किराया खर्च के अब इधर आए हैं। ये बोल रहे हैं हमें विपिन परमार जी का फोन आया कि अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में बांटे जाएंगे। आज लास्ट डेट इन्होंने दी थी 20 को, कल फोन भी स्पेशल किया था इन्होंने, कल आना ही पड़ेगा आपको। एक तो 2 साल बाद ये लैपटॉप दे रहे हैं तो ना तो उनका जो राशि आती है वजीफा को वो भी नहीं है 2 साल के।